वालेकुम मैं हूं शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है नाम नेहाद सूफ़ी कौसर हसन मजीदी के ताल्लुक से कुछ लोग इन्हें कह रहे हैं कि ये सूफी नहीं कूफ़ी है कुछ लोग रावजी वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें इनके लिए हो रही हैं अब ये सारी बातें क्यों हो रही हैं लोग इन्हें बुरा भला क्यों कह रहे हैं तो वो तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही हैं और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ ये जो नाम नहाद सूफ़ी कौसर हसन मजीदी हैं इनका ये काम है कि बरेली शरीफ से जुड़े जितने भी उलमाए कराम हैं ये उन्हें आतंकवादी कहते हैं इसके अलावा टी डिबेट में जाकर भैस वमबाशा करते हैं और वो भी ये ताज शरीफ लगाकर इसकी कितनी अजमत है एक पिर व मुर्शद जब इसको इस ताज शरीफ को अपने मुरीद को अता करता है तो इसके बारे में बताता है कि आपको इसका किस तरह से अदब करना है हत्या कि मैंने ये देखा है कि जब जो सिलसिला है जहांगीरिया के जो सूफ़ी अकराम जब वो तजारत करने के लिए जाते हैं तब इसे उतार कर अपने घर पे रख के और सर पे कपड़ा बांध के जाते हैं इसकी वजह से कि इसे लगा के तजारत हम नहीं करेंगे इसकी ये अज़मत है और सूफ़ी कौसर हसन मजिदी का क्या काम है कि वो लोग वो जाकर टी वी डिबेट में जाकर भैंस मुबाशा करते हैं वहाँ पर क्या होता है अच्छी तरह से जानते ही टी वी डिबेट में कोई सच्ची बात नहीं होती मेरे पास काफ़ी टाइम से इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि आलम भाई आप जो हैं कौसर हसन मजीदी के ऊपर वीडियो बनाइए उनके ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाइए उनके बारे में अपने चैनल पर कुछ बताइए तो मैंने उस टाइम इन कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि तकरीबन एक डेढ़ साल पहले से ही मेरे पास इस तरह के कमेंट आ रहे हैं तो मैंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि छोटे मोटे अख्तिलाफ़ तो चलते ही रहते हैं झगड़ों को तूल देना ये अच्छी बात नहीं है लेकिन अब बात इस क़दर बढ़ गई है इस कदर बात बढ़ गई है कि ये वीडियो बनाना मेरी मजबूरी है क्योंकि कुछ लोग कौसर मजीदी जो लिबास पहने हैं वो हमारे सिलसिला जहांगीरिया का है उसकी वजह से जो हमारे सिलसिले के जितने भी सूफी हैं और जितने भी हमारे मशाइ इकराम हैं और हमारे पूरे सिलसिले को लोग इनकी वजह से बुरा भला कह रहे हैं जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके सिलसिले में कौसर मजीदी हैं वो इस तरह की बातें करते फिर रहे हैं और हमारे कुछ पीर भाइयों ने मेरे पास कमेंट किया और व्हाट्सअप पर मैसेज किए कि, कि ये कौसर मजीदी जो कर रहे हैं वो कहाँ तक दुरुस्त है ये ताज़ शरीफ़ लगाकर टीवी डिबेट में जाते हैं हर झगड़ा फसाद में कूद पड़ते हैं और इनकी वजह से लोग जो हैं वो हमारे सिलसिले और हमारे पीरान एजाम जो हैं हमारे मशाइ कराम हैं उनको बदनाम करते हैं पूरे सिलसिले को बदनाम करते हैं तो आप इनके बारे में कुछ वीडियो बनाइए तो इसीलिए मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ बस आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आधा अधूरा ना छोड़ें अगर आपने शुरू किया है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और उसके अलावा आधी अधूरी वीडियो देख कोई भी ना करें इस तरह से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं इस वीडियो में तो देखिए कौसर हसन मजीदी सही है या गलत इस बारे में जानने के लिए हम पहले यह जानेंगे कि कौसर हसन मजीदी जिस सिलसिले से मुरीद हैं उस सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं तो देखिए मेरी जानकारी के मुताबिक जो कौसर हसन मजीदी हैं वो मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा सूफ़ी फैजुल हसन मजीदी किबला मदली के और जो फैज़ुल हसन मजीदी साहब हैं वो आ, मुरीद खलीफ़ा और सजादा नशीन हैं अपने वालद हजूर सराजुलौलिया हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल मजीद हसन शाह हसनी रहमत के जिनका आस्तान आलिया एंड टॉप हिल मुंबई में है और जो अब्दुल मजीद हसन शाह साहब रहमत आल हैं वो मुरीद और ख़लीफ़ा हैं हजूर हज़रत ख्वाजा सूफी हसन सरकार अजीज के जिनका मजार मुबारक भैंसोड़ी शरीफ में है और जो सरकार सुल्तान <Ş1> है। हैं वो मुरीद हैं हजरत ख्वाजा सूफी नबी रजा शाह रहमत के जिनका आस्थान आलिया लखनऊ की सरजमीन पर है तो हमारे पास एक किताब है मखजन तसवु तो उसमें हज़रत ख्वाजा सूफ़ी नबी रजा शाह रमत अल्ल जो मेरे भी दादा पीर हैं कौसर मजीदी के भी दादा पीर हैं और सिलसिला हसनी में जितने भी बुज़ुर्ग हैं उन सब के वो दादा पीर हैं तो किताब मखजन तस्ुफ़ के सफ़ा नंबर 304 में हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद नबी रजा शाह रहमत ल्ल फरमाते हैं कि तरीक़त तरीक़त में कल्ब को दूसरे ताल्लुक़ से खाली रखना चाहिए और हरकत तो व सकनात से भी कोई बात ख़िलाफ़ शरीत व तरीक़त पैदा ना हो जो उलमाए ज़वाहिर को भी खिलाफ शरा मालूम हो वरना हम जिम्मेदार नहीं हैं ये फरमा रहे हैं हम सब के दादा पीर हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद नबी रजा असद जहांगीरी रहमत ला तय और आगे आप फरमाते हैं कि मुरीद को सिर्फ़ इल्म फ़कीरी में ही अच्छा होने से काम पूरा नहीं होता है बल्कि दुनियादारी दीनदारी ख़ुदा परस्ती और मकलू के खुदा के साथ नेक बर्ताव गरज़ के हर पहलू से बेहतर और उमदा होना चाहिए और आगे आप फरमा रहे हैं कि बंदगा ख़ुदा से अच्छा और नहायत अच्छा मामला होना चाहिए नफसानी ख्वाहिशात से रियाजत करना गुमराही है ऐसा शख्स महज साधु कहलाता है अपनी नफसानी ख्वाहिशात से इबादत की रियाजत करना या कोई भी काम करना ये जो है गमराही है और ये काम करने वाला इंसान क्या कहलाता है साधु वो सूफ़ी नहीं हो सकता है ना और आगे आप फरमा रहे हैं कि अपने की पैर भी है कौसर हसन मजीदी के ताल्लुक से ये आप बड़ा जो है गौर के साथ सुने आप फरमा रहे हैं कि फकीर दरवेश मौलवी से बहस वबाशा व मुनाजरा ना करे हर शख्स के साथ आजियो इंतारी के साथ में पेश आए ये फरमान है हज़रत शहनशाह मोहम्मद नबी रजा श्यास्त जहांगीरी र्ल आल का देखिए अगर कोई मुरीद है जो अपने पुराने तरीक़त के जो तलीमात पर मुकम्मल तौर से अमल नहीं कर पा रहा है उनकी तलीमत पर नहीं चल रहा तो हम यहाँ पर इतनी बड़ी बात नहीं कहेंगे कि ये गुनागार है गुमराह है ऐसा है वैसा है ख़राब है क्योंकि यहाँ पहले हम सबसे पहले अपने आप को देखेंगे कि क्या हम अपने पुराने निज़ाम के तरीक़े पर मुकम्मल तौर पर चल रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है सामने वाले को हम बाद में कहेंगे पहले कैसे देखेंगे अपने आप को लेकिन अगर कोई मुरीद अपने पीराने तरीक़त के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है उनकी तालीमत के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है या उनके सिलसिले में कोई ख़राब बात अपनी तरफ से पैदा कर रहा है या इसके अलावा जो है वो कोई ऐसी ऐसे अमल कर रहा है कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से उसके जो पीर मुर्शिद हैं उनको तकलीफ़ पहुँच रही है तो ऐसा शख्स सूफी और मुरीद तो बहुत दूर की बात है वो शैतान है सूफी और मुरीद तो होना बहुत दूर की बात है वो शैतान है हकीकी मानों में जिसकी वजह से उसके उसका सिलसिला बदनाम हो उसके पीराने इजाम का दिल दुखे अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि पीर का दिल दुखे क्योंकि ये बात इसके पीर मुर्शिद ने खुद कही है कौसर हसन मजीदी के जो पीर मुर्शिद हैं उन्होंने ये बात खुद कही है कि इससे हमें तकलीफ पहुंची है तो देखिए यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि कौसर हसन मजीदी जो हैं वो उनकी तालीमात पर नबी रजा सरकार की तालीमत पर अमल नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके खिलाफ काम कर रहे हैं तो यहाँ हम उन्हें सूफी कैसे कह दें बल्कि हम यहाँ पर मुरीद भी नहीं कहेंगे और इनकी वजह से इनके पीर मुर्शिद का दिल दुखा है ये बात उन्होंने खुद कही है एक वीडियो के जरिए वो वीडियो भी मैं अभी आपके आपको जो है आगे दिखाने वाला हूँ तो कौसर हसन मजीदी को हमारे सिलसिले से रद्द करने का उनका इनकार करने का सबसे बड़ी वजह क्या है ये तो एक तो ये वजह हो गई जो मैंने आपको बताई और सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस दरगाह शरीफ से ये मुरीद हैं या तो ये हुजूर फैजुल हसन मजीदी साहब के बिला मदर जिल्लाई के मुरीद हैं उनके नहीं है तो उनके वाले साहब हज़रत अब्दुल मजीद रहमत लाई अलैह के ये मुरीद हैं तो उस दरगाह शरीफ के जो सजादा नशीन हैं हज़रत फैजुल हसन मजीदी के बिला मदर उन्होंने इनकी हरकतों की वजह से तकरीबन एक साल पहले ऐसा नहीं कि अभी ये जो बवाल हुआ है तो उन्होंने रद्द किया हो तकरीबन एक डेढ़ साल पहले ही उन्होंने एक लेटर पैड के ज़रिए और एक वीडियो के ज़रिए इनका रद्द कर दिया है और वो लेटर पैड में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो देखिये ख़ानक मजीदिया से जो लेटर पैड जारी हुआ है उसमें सवाल करने वाले ने सवाल किया कि हज़रत सूफिया अकराम ने हमेशा दिलों को जोड़ने का काम किया है जबकि कौसर हसन मजीदी साहब जो ख़ुद को सिलसिला मजीदिया से मुंसलिक बताते हैं जुड़ा हुआ बताते हैं और वो बनाम सूफ़ी हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं मुसलमानों पर सख्त तरीन बेबुनियादी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं इस बारे में बाहसीत सज्जादा नशीन ख़ानक मजीदिया आपका क्या कहना है इसके जवाब में हज़रत फैजल हसन मजीदी की किबिला मदज़िल्आ ने फरमाया कि देखिए ये सच है कि सूफिया अकराम ने हमेशा दिलों को जोड़ने की बात की है ये सूफिया अकराम ही की जमात है जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लामी तालमत के ज़रिए अमन व शांति की फज़ा क़ायम की है चाहे मशाइ बरेली हों या मशाइ महरा हों मशाइ कुा हूँ या मशाइ भैंसोड़ी शरीफ हों या फिर खान आ... या... या फिर खाद अजमेर शरीफ सबका एक ही मिशन है कि हम सब मिलकर अपने मुल्क में अमन व शांति की राहें हमवार करें बना मुश्तरक मिशन बनाम सूफ़ी अगर कोई हमारे इस मुश्तरक मिशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और मुल्क में अमन व सलामती के लिए ख़तरा बनता है तो वो सब कुछ हो सकता है मगर सूफी नहीं हो सकता ये कौन कह रहे हैं कौसर हसन मजीदी के पीर मुरशद और आगे आप फरमा रहे हैं कि कौसर हसन मजीदी साहब ने जो मुसलमानों के खिलाफ बातें की हैं वो सूफिया इकराम की तलीमत के खिलाफ हैं और इस बात से हमारी खान का बरात बेजारी का इजहार करती है और आगे आपने फरमाया और कौसर हसन मजीदी साहब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सूफिया इकराम की तलीमत को सही तौर पर समझने और उस पर अमल करने की तोफ़ी कता फरमाए दुआ वो सजादा नशीन खानका है अनटॉप हिल मुंबई

हमेशा अमन और शांति का पैगाम दिया है चाहे मशाई के भिछोड़े शरीफ हों या मशाई के मरहरा शरीफ हों या मशाई के बरेली शरीफ हों या में अजमेर शरीफ सभी का एक ही मिशन रहा है इस मुल्क में अमन और सलामती की राह को हमवार करें अगर कोई शख्स बनाम सूफी हमारे इस मुश्तरका मिशन को नुकसान करने की कोशिश करता है वो सूफी हो ही नहीं सकता सब कुछ हो सकता है लेकिन सूफी नहीं हो सकता मुझे अफसोस और दुख है इस बात का कि हमारे खानका से वह अवस्था एक मुरीद सूफी कौसर मजीदी मैं अब इनको मजीदी नहीं कहूंगा एडवोकेट कौसर सिद्दी की कहूंगा इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ और हमारे प्यारे प्यारे बरेलवी भाइयों के खिलाफ जो कुछ भी कहा है इससे हमें काफी तकलीफ पहुंची है हम सब एक ही हैं इनके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला कौशल सिद्दीकी को सिलसिले की सही तालीम समझने की तोफिकता फरमाए और राह रास्त पर आ जाए हमें ऐसा सूफी बोर्ड नहीं चाहिए जिसमें हम सुन्नी जमात में ही एक खल्फशार पैदा हो हम सब सुन्नी जमात एक हैं तो अब आपने ये वीडियो देखी आपके सामने सारी बात जो है वो वाजह हो गई कि के, के कौसर हसन मजीदी का हमारे सिलसिले से क्या ताल्लुक है देखिए क्या क्या फैजुल हसन मजीदी साहब ने इसमें फ़रमाया कि इससे हमें दिली तकलीफ़ पहुंची अब वो मुरीद ही क्या जो अपने पीर मुर्शिद को तकलीफ़ पहुंचाए इसके अलावा आपने फरमाया कि हम सब एक ही हैं इससे मुराद जो जितनी भी खानकाहें हैं अहल सुंदत जमात की वो सब एक ही हैं और इसके अलावा जो कौसर हसन मजीदी का जो सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड है उसका भी आपने इनकार किया है तो उससे भी हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं रहा इसके अलावा आपने कहा कि मैं उन्हें मजीदी नहीं बल्कि एडवोकेट कौसर सिद्दीकी के इनको मुखातिब किया है इस इस वीडियो में तो उन्होंने ख़ुद इनके नाम के आगे से सूफ़ी और मजीदी जो है उसको हटा लिया है या अपने आप को कुछ भी कहता अब देखी, अब देखिए देखिए मेरा और आपका ताल्लुक़ क्या है मेरा और आपका ताल्लुक है ख्वाजा हसन सरकार सुल्तान सुल्तानिया की वजह से आप हमसे मिलते हैं बड़े बड़े दूर के हमारे पीर भाई हैं मुंबई के हैं अगर जब उनसे हमारी मुलाकात होती है तब वो हमसे प्यार मोहब्बत के साथ मुलाकात करते हैं जबकि पहली बार में ही मुलाकात हुई होती है ऐसा नहीं कि बहुत पहले से हम उनसे मिल रहे हों तो बड़ा मोहब्बत के साथ पेश आते हैं देखने वाले को लगता है कि बहुत पुरानी दोस्ती है इन लोगों में लेकिन ये सारी बात है ख्वाजा हसन सरकार की और ख्वाजा हसन सरकार तक मैं डायरेक्ट तो नहीं पहुँचा ये ताज़ शरीफ मुझे डायरेक्ट तो ऐसे नहीं मिल गया ख्वाजा हसन सरकार तक मैं पहुँचा बा जरिए है हजूर मकसूदिया सरकार और मकसूदावलिया सरकार मेरे दादा पीर हैं उन तक मैं कैसे पहुँचा अपने पीर मुर्शद हज़रत सूफ़ी रियाज़ अहमद मकसूदी किबला मदा ज़िली के जरिए तो अगर मेरे पिर मुर्शिद कभी मेरा रद्द कर दें या मुझे मुझे इस सिलसिले से निकाल दें तो उसके बाद मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा क्योंकि मेरा ताल्लुक आपसे मेरे मुर्शिद की वजह से है मैं अपने पिर व मुरशद के जरिए से ख्वाजा हसन सरकार तक पहुंचा और ख्वाजा हसन सरकार के ज़रिए से आप तक पहुंचा ये ताज़ शरीफ मुझे मेरे पिरो मुर्शिद से आता हुआ है जिस दिन वो मुझे इस सिलसिले से निकाल देंगे आ, उस दिन समझ लीजिए कि मेरा भी आपसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा तो इसी तरह से कौसर हसन मजीदी जिस ज़रिए से ख्वाजा हसन सरकार तक पहुंचे इस लिबास तक पहुंचे तो उन्हीं हजरत मजीदी साहब ने उनका रद्द कर दिया है तो अब कौसर हसन सिद्दीकी का हमारे सिलसिले से कोई भी ताल्लुक नहीं रहा है लिहाजा कोई जो हमारे सिलसिले के लोग हूं तो वो इनकी सपोर्ट ना करें और जो लोग कौसर हसन सिद्दीकी का नाम लेकर हमारे सिलसिले जहाँगिरिया को बदनाम कर रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि इन्हें सूफ़ी ना कहें ना ही मजीदी कहें और ना ही हमारे सिलसिले से जोड़ें क्योंकि इनका हमारे सिलसिले से किसी तरह का कोई भी ताल्लुक़ नहीं रहा है और हमारे सिलसिले को बदनाम ना करें और हमारे सिलसिले के बारे में कोई भी बात करने से पहले बेहतर ये है कि आप जो हैं इस सिलसिले के बारे में जान लें इस सिलसिले के बारे में जान लें समझ लें क्योंकि ये वो सिलसिला है ये सिलसिले ख्वाजा हसन सरकार के मुरीद हैं हजूर फैजुल आरफिन गुलाम आसी पिया सरकार और आसी पिया उस्ताद हैं कादरी के और हजूर मुहदस कबीर के ये बात आप समझ लें सिलसिले के बारे में कोई भी बात करने से पहले आप सिलसिले के बारे में जान लें समझ लें उसके बाद कोई बात करें और कौसर हसन मजीदी कौसर हसन सिद्दीकी जैसे लोगों की वजह से पूरे सिलसिले को कोई भी हजरात बदनाम ना करें अब मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें सिलसिला जहाँगिरिया के एक एक फ़र्द तक इस वीडियो को पहुँचा दें और वह लोग जो कौसर हसन सिद्दीकी की वजह से हमारे सिलसिले को बदनाम करते हैं वो लोग भी इस वीडियो के ज़रिए समझ लें कि कौशर सिद्दीकी का हमारे सिलसिला जहाँगिरिया से कोई भी ताल्लुक नहीं रहा इसके अलावा तो कौसर हसन सिद्दीकी के लिए हम यही दुआ करते हैं आप भी दुआ करें कि अल्लाह इज़्ज़त उन्हें हिदायत अता फरमाए और उनको और हम सबको हमारे बुजुर्गान दीन की तालीमात को सही तौर पर समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए